हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अंदाज से 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है, यानी कि 700 ml के करीब होगा। और इसमें हम ऐड कर लेंगे शक्कर। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और जब दूध अच्छे से उबल जाए, शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने इसे अंदाज से ही लिया है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये लगभग 3 चम्मच के करीब है। और अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका घोल बना लेंगे। तो दूध बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो पहले कस्टर्ड पाउडर का घोल बना करके तैयार कर लेना है, उसके बाद ही इसे दूध में ऐड करना है, ताकि जब हम दूध में इसे डालें तो कोई लम्प्स ना बने। अब यहाँ पर दूध अच्छे से उबल गया है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और उसके बाद इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल ऐड करना है और इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। अब यहाँ पर ये पक चुका है अच्छे से, लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए। तो मैंने इसमें वापस से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोल करके ऐड कर लिया है और इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि इसमें लम्प्स बनने लगेंगे। और इसे अच्छे से 5-7 मिनट के लिए पका लेना है। और अब ये दूध अच्छा गाढ़ा हो चुका है और ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना है और इसे ठंडा कर लेना है। तो जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, तब तक हम इधर फ्रूट्स कट कर लेते हैं। तो इसमें ऐड करने के लिए फ्रूट्स आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 एप्पल लिया है, 2 बनाना लिया है और थोड़े से ब्लैक वाले ग्रेप्स लिया है। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और थोड़े से अनार के दाने लिए हैं। और इन सारे फ्रूट्स को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काजू ऐड किया है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था इसे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसमें डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे इस होली पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरह से आप इसे कभी भी किसी भी फेस्टिवल पर या गर्मियों में इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगते हैं और बनाना भी आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।